दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं। ऐसे में फिल्म इंडिया बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि फिल्म विवादों में फंस चुकी थी इसलिए अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आइए उस विवाद के बारे में ही बात कर लेते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले बात की जाए तो सम्राट मिहिर भोज को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें गुज्जर समाज कह रहा था कि सम्राट मिहिर भोज हमारे हैं, वही राजपूत उनका राजपूत होने का दावा कर रहे थे। वही चीज अब इस फिल्म में देखी गई। दरअसल गुज्जर समाज की ये मांग थी कि इस फिल्म को जब ही रिलीज किया जाए जब पृथ्वीराज सम्राट को फिल्म के अंदर गुज्जर दिखाया जाए, लेकिन राजपूत करनी सेना ने भी इस फिल्म के लिए विरोध प्रदर्शन किया। वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म का जो पहले नाम था वो केवल पृथ्वीराज था और करनी सेना के विरोध करने के बाद ही इस फिल्म का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान कर दिया गया। हालांकि 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक की कमाई ये अपने पहले ही दिनों में कर चुकी थी, लेकिन पांचवें और छठे कलेक्शन की बात करें तो लगातार अब गिरता ही जा रहा है। ऐसे में अब फिल्म का आगे का प्रदर्शन क्या रहेगा और किस तरीके से फिल्म प्रदर्शन कर पाएगी उसको भी देखना होगा। लेकिन अक्षय कुमार को लेकर भी कई तरीके की कंट्रोवर्सी फिल्म में रही, क्योंकि अक्षय कुमार को कहा गया कि जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान शहीद हो गए थे या फिर उनकी मृत्यु हो गई थी तब वो 26 साल के थे, इस रोल के लिए 55 साल के अक्षय कुमार को क्यों लीड रोल में लिया गया। हालांकि इस फिल्म में अगर देखा जाए तो संजय दत्त, सोनू सूद और मानुषी छिल्लर वो सब लीड रोल में देखे जा रहे हैं। अभी फिल्म में देखना होगा कि आगे किस तरीके का प्रदर्शन ये फिल्म करती है।